उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई में चार परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीवी रमन सभागार में इन परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से यहां लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं और उनकी उम्मीदें यहां से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में यहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है और सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। मैं सबसे पहले एससीपीजीआई को एक साथ 1147 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एससीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है और साथ ही यहाँ पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एससीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एससीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा, तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ।